हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन द रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन इन वन स्टेप और सिंगल स्टेप then that reaction is known as elementary reaction. ठीक है, as for example हम लोग देख सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जनरेट करता है। ये टोटल रिएक्शन वन स्टेप में होता है, वन स्टेप में। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, ओके। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? It is a reaction which completes in more than one step, more than one steps, and where single where slow step of reaction will be rate determining step. As for example हम लोग ले लेते हैं, जैसे N2O5 है। ठीक है, ये NO2 और ऑक्सीजन जनरेट करता है। तो अगर इसको हम बैलेंस करें 2, तो यहाँ पर 4, यहाँ 5 × 2 = 10, 4 × 2 = 8, 2 = 10, ऑक्सीजन 4, ये हो गया। ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप में होता है, मोर देन वन स्टेप। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक और हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो मेरा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये भी रिएक्शन जो है ये मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होता है। तो आपको समझ में आ गया कि एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है। डेफिनेशन वाइज आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बात है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे समझेंगे? अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, जैसे ए ए बी बी से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो यहां पर ए का ए मोल रिएक्ट कर रहा है, बी का बी मोल रिएक्ट कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा?
स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए प्लस बी, ठीक है, यही हो गया मेरा मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। यानी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन हमारा कैसे निकलेगा, हमारा मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर हम लोग एक कोट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, से ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। यहां पे हम लोग एज फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जनरेट कर रहा है। तो यहां से नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन चार, ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो यहां पर इसका वन मोल है और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी वन है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वन, इसका भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो सम ऑफ द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो गया, सम ऑफ द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, वन प्लस वन दैट इज टू, यही हो गया मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब अब इतना देख के समझ में आ रहा है कि हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के हिसाब से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स ये टोटल फैक्ट जो है, जो कैलकुलेट हो रहा है, ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, यहां पर एक और मैं अगर एग्जांपल देता हूं, N2 प्लस 3H2 से 2NH3, तो यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री फोर। अब देखिए इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वन है और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट थ्री है, लेकिन इसी रिएक्शन को अगर हम ऐसे करके लेके चलते हैं, N2 से 3/2H2 से यहां से NH3 अगर बनता है, ओके, ये बैलेंस करेंगे 1/2, ओके, बैलेंस है। तो यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, यहां पर नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन तीन है, तो यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू कितना हो जाएगा, वन प्लस थ्री बाई टू दैट इज 4/2। तो यहां पर देखिए मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन यहां पर कितना आया, पर 4 आया है और यहां पर कितना आया है, 2। तो रिएक्शन को देख के हम लोग थ्योरेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन जो भी है वो थ्योरेटिकली कैलकुलेट होता है, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का सम ऑफ द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन ले रहे हैं, एम मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ एन मोल ऑफ बी टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है,
वेयर एम एंड एन क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ओके तो दैट मीन्स मैंने एम मोल ए का लिया है रिएक्ट करने के लिए, एन मोल बी का लिया है रिएक्ट करने के लिए, लेकिन अंडर द रिएक्शन कंडीशन अल्फा मोल ए का रिएक्ट कर रहा है और बीटा मोल बी का रिएक्ट कर रहा है अंडर द रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा क्या हो गया, अल्फा एंड बीटा हो गया एक्टिव कंसेंट्रेशन टर्म, एक्टिव कंसेंट्रेशन टर्म, ठीक है, ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यही जो एक्टिव कंसेंट्रेशन टर्म जो हमने लिखा, एक्टिव कंसेंट्रेशन टर्म जो लिखा, ये क्या हुआ, ये हो गया, इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ, एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्टेड अंडर द रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। इसी एक्टिव कंसेंट्रेशन टर्म को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम बोले अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, और बीटा हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी, ठीक है। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर स्टोइचोमेट्री कोएफिशिएंट जो है एक्टिव कंसेंट्रेशन टर्म के बराबर नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टोइचोमेट्री कोएफिशिएंट एक्टिव कंसेंट्रेशन टर्म के बराबर हो भी सकता है। तो यहां पर हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, यहां पर हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इक्वल टू द स्टोइचोमेट्री कोएफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, पहला, और दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी इक्वल टू द स्टोइचोमेट्री कोएफिशिएंट, तो ये दो कंक्लूजन ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, ये दो कंक्लूजन ड्रॉ करने का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो हमने एक्टिव कंसेंट्रेशन टर्म निकाला है जिसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, इट कैन ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सपोर्टिंग एग्जाम्पल देता हूं तो आपको यह चीज समझ में आ जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसको समझने के लिए हम लोग यहां दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल नंबर वन, नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली इसका वन मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका भी वन मोल रिएक्ट कर रहा है एक्सपेरिमेंटली,
एक्सपेरिमेंटली इसका वन मोल नाइट्रिक ऑक्साइड का वन मोल ओजोन के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड वन है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओजोन भी वन है और यही है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी यही है। तो यहां पर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन प्लस वन टू, यही हो गया बराबर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और यही हो गया बराबर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो आप देखो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर वन है और इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वन है, तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है एक्सपेरिमेंटली जो आपके सामने है, आप इसको नोट डाउन कर लो। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, N2O5 जो है वो डिसोसिएट होके NO2 और ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है, तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ पर 4 ये हो गया बैलेंस है, 5 दूना 10 4 दूना 8 2 10, ठीक है, 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन। अब यहाँ पर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली 1 मोल ही रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट क्या है, N2O5 कितना है, 2 है, बट एक्सपेरिमेंटली एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म कितना है, एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है। तो यहां से आप देखो कि यहां पर जो है एक्टिव, यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है लेकिन एक्सपेरिमेंटली कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल, तो 2 मोल में से 2 मोल हम लेके काम कर रहे हैं उसमें से 1 मोल ही रिएक्ट कर रहा है, तो ये हो गया मेरा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ये हो गया मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी आ गया, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन सेम होता है। तो ये वाला जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया ये कैसे आया, ये आया थियोरिटिकली फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से, और ये जो आया ये कैसे आया, ये एक्सपेरिमेंटली आया, यानी जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि रिएक्टेंट में से कितना पार्ट मेरा रिएक्ट कर रहा है। जितना भी हम रिएक्टेंट लिए या कितना मोल रिएक्टेंट लिए, 2 मोल रिएक्टेंट लिए या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, रिएक्ट कितना कर रहा है, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटली हमको ये फाइंड आउट हो रहा है, तो ये जस्टिफाई हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो यहां पर हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि हियर द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट not equal to order of reaction,
लेकिन प्रीवियस वाले एक्सपेरिमेंट टू में हमने जो किया था क्या था, वहां पर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम था। अब देख लो यहाँ पे, तो नाउ स्टूडेंट्स हमने पूरा बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये हमने अच्छे से समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो टोटली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया जाता है, लेकिन मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो थियोरिटिकली डिटरमाइंड किया जाता है, जो सम ऑफ द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में और क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, फुल डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं। चलिए एक साइड में लिख रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक साइड में लिख रहे हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो पहला है इट इज इक्वल टू द एक्टिव कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये क्या हो गया, इट इज इक्वल टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ये क्या होगा, थ्योरिटिकली डिटरमाइंड। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या इट कैन हैव, और क्या होगा, इट कैन हैव एनी वैल्यू दैट इज जीरो, एनी इंटीजर, और एनी फ्रैक्शनल वैल्यू। तीन वैल्यू हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है, या एनी इंटीजर वैल्यू हो सकता है, एनी इंटीजर वैल्यू, या एनी फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है, ठीक है, और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, प्रेशर ऑफ द रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन does not depend on temperature, pressure
और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये चार बेसिक डिफरेंस है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, आप इसको देख लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे मेजर किया जाता है, एट द सेम टाइम रेट ऑफ रिएक्शन जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऑर्डर एंड रेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यहां से हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो मेजर किया जाता है, ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है मल्टीपल स्टेप्स रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर किया जाता है स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन से। स्लो स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिटरमाइंस द रेट एज वेल एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखते हैं कैसे होता है। एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, जैसे हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स में होता है। ठीक है, स्टेप वन में क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके NO3 और NO बनाएगा। ठीक है, ये स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन होगा, स्लो स्टेप। स्टेप टू में जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ये फास्ट स्टेप है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये दो स्टेप्स में हो रहा है, एक स्लो स्टेप है और एक फास्ट स्टेप है, दोनों रिएक्शन ही बैलेंस है। चार ऑक्सीजन यहाँ पे, चार ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक नाइट्रोजन, इसको सम अप करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, मिलेगा नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड चला गया, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड भी चला गया, क्या बचा यहाँ से, NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड से यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप से मेजर करेंगे, स्लो स्टेप कौन सा है, ये वाला स्लो स्टेप है, तो यहाँ पे K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू दी पावर 2, और यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी टू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस हिसाब से सोचते हैं यहां से, ठीक है, तो यहां से हमारा अगर हम ये रिएक्शन देख के अगर हम थियोरिटिकली सोचते हैं तो थियोरिटिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर थियोरिटिकली सोचते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा थियोरिटिकली होगा। ठीक है, जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, NO2 पर और कार्बन मोनोऑक्साइड पर। ठीक है, थियोरिटिकली, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये वाला फैक्ट आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली।
तो अगेन हम कंक्लूड कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, और एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन ही डिटरमाइन करेगा। स्लो स्टेप में आप देखिए, दो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसीलिए यहाँ पे 2 आ रहा है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम थियोरिटिकली समझे तो टोटल रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर भी और कार्बन मोनोऑक्साइड पर भी, लेकिन यहां पर कुछ और तस्वीर है, आप देख लीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, nth ऑर्डर रिएक्शन होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कैसे आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन जो है रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर के साथ रिलेट करता है, और टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल्स में लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।